How is the Josh? हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है। आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है। आपका जोश तो यकीनन सातवें आसमान पर है मोदी जी, क्योंकि आपके सियासी प्रोपेगेंडा पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई फिल्में बन रही हैं। और आलम यह है कि आपके सम्मानित मंत्री पीयूष गोयल जो ट्विटर पर हर तरह के गालीबाज ट्रोल्स को फॉलो करते हैं, वो भी आपकी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं। सो हाउ इज द जोश मोदी जी? और आज हम जोश की बात करने वाले हैं। जोश बीजेपी का, जोश किसान का, जोश सैनिक का और जोश युवा का। आगाज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जोश से। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जोश का तो यह आलम है कि बीजेपी एमएलए साधना सिंह लाज शर्म की तमाम हदों को पार करते हुए मायावती के बारे में उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल करा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फरमाइए, हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। साल 2014 में सम्मानित शहरी शिक्षित शायना एनसी ने भी बिल्कुल इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि जब भी मैं मायावती को देखती हूं, मैं ये नहीं समझ पाती हूं कि वो पुरुष हैं या महिला हैं। देखिए, इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ दलित विरोध या मायावती विरोध नहीं दिखाई देता, इसके जरिए आपने किन्नरों को भी अपमानित किया है, आपने मानवता को अपमानित किया है। मगर यह चीज मुझे हैरत में नहीं डालती, क्योंकि जब इस तरह का जोश भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाते हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। गौर कीजिए महाशय पर संगीत सोम, जी हां, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये अब सरधना से एमएलए है दयाशंकर सिंह, जिन्होंने मायावती के बारे में अपशब्द कहा था, हाल ही में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। इनकी पत्नी स्वाति सिंह इस वक्त योगी सरकार में मंत्री हैं। हालांकि स्वाति का मैं समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि स्वाति को भी अपमान सहना पड़ा था जब उनके पति दयाशंकर सिंह ने मायावती का अपमान किया था। हाउ इज द जोश? सो हाउ इज द जोश मोदी जी? और जोश का यह आलम है कि भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार नहीं कर सकती। जी हां, कर्नाटक में इन्होंने ऑपरेशन लोटस 2 चला दिया, मगर जब झूठ की बुनियाद पर बात आगे बढ़ती है तो ढोल तो फटता ही है, पोल तो खुलती ही है। अरे काले राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। जी हां, जिस तरह से एक जमाने में कांग्रेस को लगता था कि देश पर राज करना उनका नैतिक अधिकार है, वही अब बीजेपी के साथ हो गया है। अब माननीय कैलाश विजयवर्गीय को सुनिए क्या कहते हैं। जोश में ये कह रहे हैं कि साहब, हमें बस हुक्म की जरूरत है मोदी जी से, 15 दिन में हम कमलनाथ की सरकार गिरा देंगे। सो हाउ इज द जोश मोदी जी? और आपका जोश इस तरह से सिर चढ़कर बोलता है कि आप बच्चों तक को नहीं बख्शते हैं। आप इस स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक बच्ची का इस्तेमाल किया गया है यह कहते हुए कि इस बच्ची ने राहुल गांधी से ऐसा सवाल किया कि राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। यह अपने आप में सरासर झूठ था दोस्तों। इस बच्ची के फोटो का इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस को टारगेट करने के लिए। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी अपने एक फैन एक बच्चे से मिल रही हैं, मगर बीजेपी के ट्रोल मशीनरी ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि ये बच्चा प्रियंका के पास गया, उसने प्रियंका से सवाल किया और प्रियंका की बोलती बंद हो गई। और सबसे दुख की बात है कि इस झूठे प्रोपेगेंडा को भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद परेश रावल ने आगे बढ़ाया और उनके एक चाटुकार विवेक अग्निहोत्री, जिनका इतिहास रहा है वाहियात और फ्लॉप फिल्म्स बनाने का, उन्होंने भी इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। सो माय क्वेश्चन टू यू मोदी जी, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश?
और अब बात करते हैं सैनिकों के जोश की। जी हां, सैनिक, वो सैनिक जिसकी शहादत पर सवार होकर आप सत्ता में आए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैनिक की शहादत के बारे में किसी और नहीं बल्कि मोहन भागवत की क्या राय है। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है, जब युद्ध आता है। अपने आप पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। जी हाँ, शांति काल में भी सैनिक मारे जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बावजूद भी सैनिक मारे जा रहे हैं। क्या आप मोहन भागवत को देशद्रोही कहेंगे? नहीं कह पाएंगे ना, आपकी हिम्मत हो भी नहीं सकती है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि सैनिक को लेकर क्या जोश है, इस बात को लेकर तो किसने, मोहन भागवत जी ने पोल खोल कर रख दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको गौर करना पड़ेगा इस तारीख पर, 29 सितंबर 2016। ये वो दिन था जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे। इस पूरे साल यानी कि साल 2016 में हमारे 69 सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे। क्या आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद 29 आर्मी के वीर शहीद हुए थे, बावजूद इसके कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किया था। तो ऐसे में जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं वो गलत कैसे हो सकती है? और हम बात जोश की कर रहे हैं तो अब मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप में से ज्यादातर को यह तस्वीर याद भी नहीं होगी। देखिए इस तस्वीर को, यह है हेमराज की तस्वीर। भूल गए कौन है हेमराज? ये वो हेमराज है दोस्तों जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक हेमराज के सिर के बदले हम 10 सिर लेकर आएंगे। दोस्तों एनडीटीवी की यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4.5 साल में मोदी सरकार हेमराज के परिवार को भूल गई। ये तस्वीर देखिए, हेमराज की विधवा और उसकी बेटी दर दर भटक रहे हैं मुआवजे के लिए। सो लेट मी आस्क यू अगेन मोदी जी, हाउ इज द जोश? क्योंकि उरी में प्रोपेगेंडा के जरिए या एक्सीडेंटल पीएम में प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी बढ़ाई करना तो बहुत आसान है, मगर हकीकत आपके सामने मुंह बाहे खड़ी है इस विधवा, उसकी बेटी और हेमराज सिंह की इस तस्वीर के जरिए। जवाब है आपके पास कोई? नहीं, जवाब नहीं है। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा मोदी जी, हाउ इज द जोश? और सैनिक के बाद अब बारी है युवा की, तो आइए देखते हैं युवा का जोश क्या कह रहा है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका यही विजन है? क्या इनकी सरकार का यही मुद्दा था? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तसी। जी हाँ, 7 फरवरी को युवा अपना जोश दिखा रहा है, लाल किले से संसद का मार्च करने वाला है अपने मुद्दों को लेकर। इस छोटी सी क्लिप में देखिए कि उसके मुद्दे दरअसल हैं क्या। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, इनके आरएसएस के वाइस चांसलर ने वहां पर जाकर ये बोला कि महिलाएं बाहर क्यों निकलती हैं। तो एज अ वुमेन ये मेरे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं मोदी सरकार को 2019 में चैलेंज करूं। But clearly the Delhi University campus fire is spreading. In the civil dress, they are misbehaving with the people, misbehaving with the women. Deescalate करना, इस संघर्ष को खत्म करना, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। ये युवा मोदी सरकार से कुछ सवाल रख रहा है, कुछ मांग रख रहा है, जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। मांग नंबर एक, खाली पड़े सरकारी पद भरिए, सरकारी नौकरियां बढ़ाइए, रिक्रूटमेंट में करप्शन को खत्म कीजिए। मांग नंबर दो, बजट का 10% शिक्षा पर खर्च कीजिए, उच्च शिक्षा में फंड्स कट, फीस में वृद्धि, स्कूलों को बंद करने की नीति खत्म कीजिए। मांग नंबर तीन, लिंग पे के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव बंद कीजिए, लड़कियों के हॉस्टल्स में एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल शुरू कीजिए। मांग नंबर चार, शिक्षा का बेहुदा भगवाकरण बंद कीजिए, शैक्षणिक आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश मत डालिए। मैं जानता हूं कि आपकी ट्रोल सेना क्या कहेगी। आपकी ट्रोल सेना कहेगी कि ये तो युवा है ही नहीं, ये युवा देश के युवाओं की नुमाइंदगी करते ही नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि कौन से युवा देश की नुमाइंदगी करते हैं, ये सुनिए इनके शब्द। जी हाँ, युवाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या कटिबद्धता है वो ये पता चल जाता है कि अपनी इस रैली में, जिसमें बाकायदा एक नंबर दिया गया था, एक टोल फ्री नंबर दिया गया था जिसमें युवा संपर्क कर सकते थे, इस रैली का मकसद था युवा से संपर्क साधना। और आप जानते हैं इस रैली का प्लान क्या था? इस रैली का प्लान ये था कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की 40 फीट ऊंची एफिजीज को जलाया जाए। वाह, क्या बात है, युवाओं से संपर्क साधने का इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है मोदी जी? सो लेट मी आस्क यू अगेन सर, हाउ इज द जोश? जी हां मोदी जी, युवा का इस्तेमाल आपकी पार्टी इस तरह से कर रही है कि 20 रुपए प्रति ट्वीट पर आपका युवा, जिसे फाइनेंस आपकी पार्टी की आईटी सेल करती है, वो गाली गलौज धमकी जो है वो देता है, वर्चुअल मॉब लिंचिंग करता है। और जब उसका मन वर्चुअल मॉब लिंचिंग से उकता जाता है तब वो सड़क पर उतरता है और पहलू खान को इस तरह से मार देता है, या अखलाक को मारता है, या फिर हापुड़ में इस तरह की शर्म सामने उभर कर आती है। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इस युवा के जोश से इत्तेफाक रखते हैं? हाउ इज द जोश? और अंत में मोदी जी, मैं बात करना चाहूंगा किसान के जोश की। जी हां, किसान, वो शब्द जिसे आप सुनना नहीं चाहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि साल 2018 में कितने किसानों ने आत्महत्या की? 0, एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। अब आप ये कहना चाहेंगे कि अरे वाह, क्या देश में रामराज्य आ गया? जी हां, बिल्कुल आ गया। जब देश में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की 2018 में, तो रामराज्य तो आना ही था। मगर कहानी में ट्विस्ट दोस्तों इस तरह से है, दरअसल 2014, 15 और 16 में जिस तरह से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ रहा था, उससे घबराकर मोदी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा जारी करना ही बंद कर दिया, और माननीय राधा मोहन सिंह ने बाकायदा संसद में यह कहा था कि साहब 2016 में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा कम हो गया है। जब आप शुतुरमुर्ग की तरह खतरे का सामना नहीं करना चाहते और गर्दन में अपने सिर को दफन कर देना चाहते हैं, तो क्या उससे खतरा टल जाएगा? सो मोदी जी, किसान का जोश तो आपके सामने है, क्या यह सवाल पूछना लाजमी अब नहीं हो जाता मोदी जी कि हाउ इज द जोश? न्यूज चक्र में बस इतना ही, और हर बार की तरह हमारा जो वादा आपसे रहता है कि देश के ताकतवर लोगों की सोच उससे खंगालने का, किस तरह से आपको उंगलियों पर नचाया जाता है, किस तरह से प्रोपेगेंडा की मशीनरी आपको उल्लू बनाती है, उसे हम एक्सपोज करते हैं। और मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना, आप हमारे शो को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभिसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।